ये बेंगलोर में थे, वहीं से इनका जॉब जॉब हो गया था, तो ये वहाँ सीधे चीन गए। चीन में वो लड़की चीन की रहने वाली थी, तो ले गई लैंग्वेज वगैरह इसने सीख ही ली थी। यहाँ चीन की लैंग्वेज आती थी उसको, इंग्लिश, दो तीन प्रकार की लैंग्वेज आती थी उसको। हाँ, मेरे लड़के को, परवल को, तो उसमें टैलेंट था, क्योंकि योगा योगा का वो बहुत शुरू से योगा करी उसने रामदेव बाबा के यहाँ भी। तो उसके टैलेंट के चक्कर में जो लोग उसको ले गए वहाँ, वहाँ इनने क्या है कि अपना खुद का एक योगा इंस्टीट्यूट। हाँ, तो वहाँ क्लास चलते थे। 19 तारीख को मेरी बात हुई फोन पे, और 20 तारीख से इसका स्विच ऑफ जाने लगा। कब इसको ये पिछले साल गया था मार्च में, गया योगा टीचर था, योगा की क्लास देता था। वहाँ से हमको खबर मिली अभी परसों कि उसकी डेथ हो गई है। नहीं, वो कोई कारण नहीं बता रहे। क्या कहना है उनका, कह रहा है आप जो कार्रवाई करना है करो, उनका ये क्या? कहना है। बड़ा सोसाइटी नहीं, सुनता, हाँ वो सोसाइटी की बोल रहा है, लेकिन सोसाइटी उसने नहीं किया। क्या लगता है, क्या हमको लगता है ये हत्या ही करी है। किसके द्वारा की गई? ये लड़की है रोजी, और उसके साथ में एक इंडियन लड़का था जो उनका पार्टनर, मतलब तीनों पार्टनर थे। हाँ, एक लड़का इंडियन था, लड़के का नाम क्या है? यस, इंडियन है हाँ, और लड़की लड़की वही चीन की है। हाँ, चीन की है। तो तीनों ये एक साथ ही ने डिप्लोमा किया है क्या लगता है बेंगलोर। उसमें लड़की के द्वारा कुछ करवाया हाँ, गया? लड़की और वो लड़का, हाँ, दोनों हैं। क्योंकि वो लड़की फोन पहले एक दिन उसने स्टार्टिंग में, हमने जब फोन लगाया 20 तारीख को उसको, तो फोन उठाया उसने, बात कर रही थी, फिर वो कह रही मैं अपने घर आ गई छुट्टी पे, मतलब वो कुछ बताया नहीं उसने। हाँ, लड़की तब फोन भी उठा रही थी, फोन भी नहीं उठा रही, फोन स्विच ऑफ है उसका, लड़के का। तो हमको हम तो लड़की की बॉडी आपके पास आई कि नहीं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो चाह रहे हैं कि हमारे लड़के के साथ पूरा इंसाफ हो, उसकी बॉडी आए यहाँ, हाँ, जल्दी से कितने दिन की जल्दी। प्रोसेसिंग बता रहे हैं मुझे चैनल? वो बता रहे हैं 45 दिन की। हाँ, लेकिन आपने हमको उस हमको कम से कम जल्दी से जल्दी आया है, तो ये कि कम से कम यहाँ उसका अंतिम संस्कार कर आपने सकें। ट्विटर पर किसी को कुछ किया? हाँ, वो मेरे लड़के हैं, वो दामाद है मेरे दोनों, उन्होंने कर। हाँ, कहाँ वो कहाँ भेजे ट्विटर पर? अब जो मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने सारा मेरे को तो कुछ माना सीएम नहीं हुए, है। सिंधु हाँ, हुए, सबको कर दिया हमने, कर मेरा साला है मुंबई से आया, अभी अंदर बैठा है, जय नारायण, वो भी कर रहे हैं पूरी कोशिश। पिता ने लगाई गुहार, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। चीन की लड़की ने मेरे बेटे को मार डाला। मौत की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, खासकर विदेशी धरती पर। एक बार फिर से चाइना में एक लड़के की मौत की कहानी आपको थर्रा देगी। ये कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि एक योगा टीचर है। ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि इसके टैलेंट को देख आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले इस योगा थेरेपिस्ट का नाम है प्रबल कुशवाहा, जिसकी चाइना के बीजिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो 8 महीने पहले ही नौकरी के लिए बीजिंग गया था। बीते बुधवार को उसने परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की थी, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। परिवार वालों ने जब सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया तो युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया। ये खबर सुन परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने सुसाइड किया है। इसके बाद फौरन उन्होंने सीनियर अधिकारियों पर उसे मारने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार वाले भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि दूतावास द्वारा शव को 1.5 महीने के भीतर भारत आना तय बताया गया है। अब स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये वही लड़की है जिसके साथ युवक की मौत का सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इस लड़की ने ही प्रबल को मारा है। परिजनों का आरोप है कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने जहर दिया है और उसे फांसी पर लटकाया है। आपको बता दें कि माधवगंज थाना क्षेत्र के रॉक्सी पुल निवासी सुरेंद्र कुशवाहा टैक्सी चालक है। उनका इकलौता बेटा प्रबल कुशवाहा पेशे से योग थेरेपिस्ट है। फरवरी महीने में प्रबल को चाइना के बीजिंग से योगा सेंटर में नौकरी के लिए ऑफर मिला था। इसके बाद करियर में टर्निंग पॉइंट समझकर
फौरन ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए प्रबल चाइना पहुंच गया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसी बीच कुछ दिनों से उसका फोन आना बंद हो गया। परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने चाइना बुलाने वाले सू चाइन व मिस रोजी से संपर्क किया, तब इन लोगों ने परिजनों का फोन नहीं उठाया। बीते शनिवार को जब संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि प्रबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। इसके साथ उसके परिजन भारतीय दूतावास और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।